बलिया के थाना रसड़ा की घटना को लेकर भारतीय समाज पार्टी का प्रदर्शन। प्रदेश सरकार को भेजे गए ज्ञापन में करी निष्पक्ष जांच की मांग। मुरादाबाद थाना रसड़ा जिला बलिया की निष्पक्ष जांच करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में पार्टी के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर मुरादाबाद में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया कि थाना रसड़ा के दक्षिणी पुलिस चौकी पर पन्नालाल राजभर की पुलिस अभिरक्षा में बर्बरतापूर्ण पिटाई के बाद उपजे जनाक्रोश के कारण दिनांक 3/9/2020 को घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद स्थानीय पुलिस उप निरीक्षक के द्वारा मुकदमे पंजीकृत कराए गए। उपरोक्त मुकदमे में कुछ स्थानीय निर्दोष लोगों को फर्जी तरीके से फंसाया गया, जबकि घटना के समय मौके पर कई सत्ताधारी पार्टी के स्थानीय नेता मौजूद थे, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर स्थानीय उप निरीक्षक द्वारा राजभर समाज के लोगों का ही FIR में जानबूझकर टारगेट किया गया है। इससे प्रशासनिक मंशा स्पष्ट दिखाई देती है। सरकार को भेजे गए ज्ञापन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये मांग करती है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पूरे प्रदेश में समस्त 75 जिलों में माननीय ओमप्रकाश राजभर जी के आदेशानुसार जनपद बलिया के थाना रसड़ा में 2 और 3 सितंबर को एक विवाद हुआ था, जिसमें थाने की पुलिस ने केवल राजभर जाति के लोगों को ही टारगेट बनाकर उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई की है और दूसरी पार्टियों के लोग, BJP के, बसपा के लोग वहाँ थे, किसी के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। मात्र हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिन गिन कर और चुन चुन कर उन्हें मारा पीटा है और उसके विरोध में आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इसका विरोध करते हुए और इसी न्याय करने की और CBI CID की मांग करते हैं।